दोस्तों आज इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको निधिवन, जहां पे कृष्णा जी हर रात स्वयं यहां पे लीला करने आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कैसे पहुंचेंगे। हम यहां से तीन तरीके से पहुंच सकते हैं। खुद के कन्वेंस से मथुरा रोड होके जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, दिल्ली टू मथुरा बस जाते हैं वहाँ भी जा सकते हैं, एंड अगर आप ट्रेन जा सकते हैं ताज एक्सप्रेस यहाँ जाता है, आप ताज एक्सप्रेस से भी जा सकते हैं। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा 1% के 1000 रुपये होगा, आने जाना खाना सब कुछ। दोस्तों यहाँ पे टोल गेट भी पड़ेगा 2, मैंने आपको पहले भी वृंदावन वाले ब्लॉग में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर बस से जाएंगे आपको 200 तक खर्चा पड़ेगा, ट्रेन में ओनली 50 रुपीज़ लगता है। दोस्तों मेन गेट में पहुँच गए, यहाँ से अगर हम पैदल चलेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट में हम निधिवन में पहुँच जाएंगे। दोस्तों मैं जाते जाते आपको रास्ते में दिखाऊंगा, ये सारे शॉप है, जैसे हम वृंदावन से निकले थे ये वही रूट है। यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको मेन एंट्रेंस दिखाऊंगा, जहाँ से आपको यमुना भी वहाँ से जा रही है, तो उस रूट से आपको लेके चलता हूँ मेन रूट जहाँ पे यमुना जा रही है। दोस्तों ये मेन रूट है जहाँ से निधिवन से ओनली 2 मिनट का रास्ता पड़ेगा। यहाँ से बहुत लोग जो वृंदावन की परिक्रमा होता है यहाँ से लोग करते हैं। अब यहाँ जाते जाते कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये सबसे ब्यूटीफुल जगह है निधिवन से पहले वाले। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत जगह में लोगों को पानी पिलाया जाता है रास्ते में, जो लोग थक जाते हैं परिक्रमा करते करते उनके लिए। दोस्तों रास्ते में जाते जाते आपको श्री महाप्रभु जी के बैठक भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे ज़रूर जाना, भूलना मत। यहाँ पे कीर्तन हमेशा होता रहता है, आप जाके देखना। चलिए मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ, देखना इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो वास्तुशिल्प यानी जो आर्किटेक्चर है कितना मस्त ये देख रहे हो। इसके बाद मैं आपको कीर्तन दिखाऊँगा किस रूट से कीर्तन आता है, और यहाँ पे जो नज़ारा होता है बहुत ही अद्भुत होता है, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग, गूजबम्स आ जाएंगे। इसी जो रूट है वहाँ पे कीर्तन मंडप है, वहाँ से इसी रूट होके आएंगे कीर्तन के लिए। थोड़ी देर में मैं आपको कीर्तन स्थल भी दिखा दूँगा किस तरीके से कीर्तन होता है। दोस्तों जैसे आप बैठक से निकलेंगे आपको पैरेलल यमुना बहती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे स्पेशलिटी ये है, यहाँ पे बोटिंग होता है मेनली, ये रूट पार करने के लिए होता है। उस गांव के लोग यहाँ की तरफ आते हैं, बोट से आते हैं, बट यहाँ पे लोग बोटिंग भी करते हैं। 100 रुपीज़ पर पर्सन लेंगे, आपको बोटिंग करा देंगे 1 आवर तक। दोस्तों इसके बाद मैं दिखाऊँगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कितने सोशल सर्विस मिलता है, लोग यहाँ पर पानी पिलाते रहते हैं, कीर्तन होता रहता है, बहुत चीज़ें आपको हर जगह देखने को मिलेगा, आप बोर बिल्कुल नहीं होगे मत। दोस्तों अब मैं निधिवन के लिए लेके चलता हूँ आपको, ये मेन निधिवन है। आप यहाँ से गाइड भी ले सकते हैं जो कि 30 से 40 रुपये लेगा, 50 रुपये लेगा, 500 रुपये लेगा, अपने हिसाब से लेना। उस जगह में जूते रख के आप यहाँ से आराम से एंट्री कर सकते हो, कोई जूते का जो चार्जेस होगा 2 रुपये से 5 रुपये होगा। अब हम मेन एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर आपको मना किया जाएगा कि यहाँ पर शूटिंग अलाउ नहीं है, आप बिल्कुल वहाँ पर शूट मत करना, और बाकी जगह पर आप शूट कर सकते हैं, जहाँ रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पर बिल्कुल मत करना। ये मेन एंट्रेंस पे भी नहीं बनाया गया, पहले ये बिल्कुल नहीं था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, मेनली वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ बनाया गया है। ये
दोस्तों ये निधिवन का मेन टेम्पल जहाँ पे रात को यानी शाम को पान दांतुन लड्डू श्रृंगार वगैरह सब कुछ रख दिया जाता है, बट जैसे ही सुबह खोलते हैं दिखा जाता है कि यहाँ पे कृष्ण जी आए थे और उनका लीला करके गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप घर के लिए लोग सामान लेते हैं, सिंदूर वगैरह श्रृंगार वगैरह यहाँ पे लेके जाते हैं। अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर है या लेडीज़ है आप वहाँ से भी लेके जा सकते हो। बट दोस्तों ये एक बात ध्यान रखना, ये आस्था से जुड़े हुए हैं, इनसे गलत कमेंट बिल्कुल मत करना। ये बहुत आस्था से जुड़ा हुआ है, लोगों को विश्वास है, हमारा भी विश्वास है, हमने सामने भी देखा ऐसे सब कुछ हुआ है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये श्री हरिदास स्वामी जी का मंदिर है और उनके पास बांके बिहारी हैं। बांके बिहारी ऊपर बैठे हुए हैं, हरिदास स्वामी नीचे बैठे हुए हैं उनकी मूर्ति। दोस्तों ये जो देख रहे हो ये कुंड है, जब रासलीला करते करते ललिता जी और गोपियों को प्यास लगी तो कृष्ण जी ने बोला यमुना में जाओ, लेकिन यमुना में कालिया नाग के डर से कोई जाना नहीं चाहता था, इसलिए कृष्ण जी ने यहाँ पे बंसी के द्वारा ये कुंड बनाया। एंड साइड में जो देख रहे हो ये सारे निधिवन के तुलसी के पेड़ है जो गोपियाँ बन जाते हैं रात को। दोस्तों यह है कदम का पेड़ जहाँ पे कृष्ण जी गोपियों का वस्त्र चुरा के बैठा करते थे, अब यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है। दोस्तों ये था निधिवन ब्लॉग, मैंने सारे डिटेल्स बताया आपको, अगर जब भी आप आओगे तो इस चीज़ आप फॉलो करना।